तो तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां अभी और भी है। महिला दिवस को लेकर कैथल में 1 तारीख से लेकर 8 मार्च तक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसको लेकर जो है CMGGA के पंखुरी गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं और आगे क्या कुछ रणनीति जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर बनाई गई है। मैम, किस तरह के कार्यक्रम महिला दिवस को लेकर किए जा रहे हैं? जी, हमने जो शुरुआत करी है विमेंस वीक की, वो पूरा जो हमारी जो 8 दिन की हमने सेलिब्रेशन किया है उसमें सब कुछ ही, अगर आप देखें स्टार्टिंग से मेरी बेटी मेरी पहचान, जिसमें हमने जितनी भी जिनके भी घर में लड़कियां हैं 2, उनके घर का नाम हमने लड़कियों के नाम पे किया है। उसके बाद हमने पिंजरा तोड़, एक वार्तालाप सशक्तिकरण की ओर, हौसले, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, और उसके बाद हमने ऐसी स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं उनके साथ ख्वाब उड़ने दौरे करके इवेंट्स करे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य यही था कि हम सारे ही बच्चों और विलेज की जो औरतें हैं उन तक हमें मैसेज पहुंचा पाएं कि हम औरतों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये एक पहल है जो हम शुरू कर रहे हैं और 8 तारीख को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उस पर हम 2 प्रोजेक्ट्स की लॉन्च कर रहे हैं। पहला स्ट्रैटेजी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 6 महीने तक हमारी हर विलेज में हम ये काम करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ हम हर एक विलेज में अनीमिया पर काम करेंगे, हम जागरूकता जेंडर सेंसिटाइजेशन पर फैलाएँगे, उसके साथ साथ हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो JJ एक्ट के अंडर है हर विलेज में एक कमेटी बिठाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा चाइल्ड अब्यूज़ होता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, उस सब को तोड़ते हुए हमारा ये प्रयास है कि उसको आगे 6 महीने तक, और मेरा ये मानना है कि कोई भी एक इवेंट करने से कुछ जागरूकता नहीं फैलती है, ये एक प्रयास होना चाहिए, एक लंबे समय तक होना चाहिए, तभी मानसिक रूप से बदलाव आ सकता है लोगों के अंदर। मैम, आज जिस तरह से खेल में संकल्प से सिद्धि की ओर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके पीछे का मकसद किस तरह क्या कुछ उसमें प्रोग्राम रखते हैं? खेल में संकल्प से सिद्धि की ओर का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि मानसिक रूप से तो आप हम सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पे भी हमें फोकस करना है, तो इसीलिए हमने ये पहल शुरू करी कि हम ये स्पोर्ट्स मीट जैसे आज हुई है ऐसे ही हम ब्लॉक्स लेवल पे आने वाले समय में ये भी कराएंगे, जिससे कि औरतें जितने से ज़्यादा एंगेज हो सकें स्पोर्ट्स में, एंड क्योंकि हरियाणा तो डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है जहाँ पर स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है, तो उसी पहल को मतलब उसी ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स मीट कराई। महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी समय से आप प्रयास रहते हैं, कितना जो महिलाएं उनका रिस्पांस आपको मिल रहा है? मेरे को बहुत खुशी होती है ये बताने में कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्वाभिमान है जिसका हम लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले 1 महीने तक हमने काफ़ी ग्राउंड वर्क करा है, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो ऑलरेडी हैं हमने उन पर फोकस नहीं करा, हमने हर ब्लॉक से ऐसी औरतों को ढूंढा है जो सच में आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और हम उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ेंगे और जो हमने ये प्रोजेक्ट स्वाभिमान है उसके अंदर उसका पार्ट उनको ही लेंगे, और ब्लॉक लेवल पर जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस ITIs और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके अंदर सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगेगी जो कि हमारी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की औरतें ही चलाएंगी, तो ये है। मैम, अंत में नारी सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को नारियों क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जो औरत है, औरत को मैं एक शाहीन जो एक बर्ड होती है यानी कि पक्षी, तो तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां अभी और भी है, और ये जो आसमां है कैथल एडमिनिस्ट्रेशन और WCD डिपार्टमेंट हम उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एक औरत को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ CMGGA पंखुरी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हम काफ़ी प्रयास रहते हैं और महिलाओं को
मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने की ओर प्रयास जो है हमारा लगातार जारी है, और इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम जो है वो आयोजित जो है वो किए जा रहे हैं और लगातार महिलाओं को जागृत करने का प्रयास वह किया जा रहा है। इस दौर में 8 तारीख को भी जिस तरह से मैम ने बताया कि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए और विभिन्न कार्यक्रम जो है महिला शक्ति सशक्तिकरण को लेकर जो है वो आयोजित किए जाएंगे। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक।